नमस्कार साथियों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी का एनकेएस लर्निंग कैंपस में वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय की अगर बात करें तो ज्योग्राफी विषय में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों को आज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बताऊंगा कि भूगोल विषय में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऐसे चीज़ों को पढ़ा जाए और कैसे आप जाने। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इंग्लिश में इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि अगर जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात करते हैं, तो आप सबसे पहले यह जानेंगे कि इसे क्यों पढ़ा जाना चाहिए, क्यों आवश्यकता है इसकी, क्यों इस टॉपिक को पढ़ा जाना चाहिए और क्या इसका महत्व तो है, किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। आपके जो भी एग्जाम्स हैं, यानी यूपीएससी के सिलेबस की बात करें या स्टेट पीसीएस सिलेबस की बात करें, सभी जगह ये ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण सेक्शन है, विश्व भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से थ्योरेटिकल प्रश्न भी आने की संभावना प्रबल रहती है और अगर बात करें तो आपके ऑब्जेक्टिव लेवल के एग्जाम भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के महत्व की अगर बात करते हैं, क्यों यह इम्पॉर्टेंट है, क्यों पढ़ा जाना चाहिए, तो इसके माध्यम से हम पृथ्वी पर संरचनाओं की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी की संरचना का निर्माण कैसे हुआ है, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं किस प्रकार से बनी हुई हैं पृथ्वी पर, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। अब क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य का निवास है और भूगोल विषय का इसीलिए महत्व हो जाता है, तो इसलिए सारी चीजें पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो बिना देरी किए हुए टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात करें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, तो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसके माध्यम से हमने बताया ही कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों की रचना कैसी हुई है। पृथ्वी पर स्थलाकृतियों की रचना की बात करें कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां कैसे बनी हैं, विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों के साथ साथ अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं किस प्रकार से हो रही हैं, यानी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वह किस प्रकार से, किस कारण से हो रही हैं। प्राकृतिक घटनाओं में अगर बात करें तो भूकंप की भी बात कर सकते हैं, यानी अर्थक्वेक की बात करें, अर्थक्वेक की बात किया जा सकता है, ज्वालामुखी की बात कर सकते हैं, वॉल्केनो की बात कर सकते हैं। तो जब हम देखेंगे कि भूकंप की घटना हो या ज्वालामुखी की घटना हो, तो ये सारी घटनाएं किस प्रकार से हो रही हैं, यह इसी सिद्धांत के माध्यम से हम जान सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आया तो आपके भौगोलिक जगत में एक महत्वपूर्ण, एक नए सिद्धांत की खोज के साथ नयापन दिखाई दिया और साथ में बहुत सारी चीजें जो हमारे सामने से नहीं गुजरी थी वो सामने आ गई। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सामने एकत्रित हो गई। उन महत्वपूर्ण जानकारियों में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सबसे बड़ा योगदान है। अब बात ये उठती है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की जब हम बात करते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात करते हैं, तो भूगोल के तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर यह आधारित है। सबसे पहला है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की अगर बात करते हैं, यानी अगर बात किया जाए तो ड्रिफ्ट थ्योरी की जब हम बात करते हैं कि आपके ड्रिफ्ट थ्योरी जो आपके काफी प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वैगनर, इनके द्वारा दिया गया था। अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने जब महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया,
यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, और इस सिद्धांत के द्वारा भौगोलिक जगत में एकदम से नया पनाया और कुछ नया देखने को लोगों को मिला, नई चीजें सीखने को मिली। अब इस पर रिसर्च शुरू हो गई कि किस प्रकार से आगे चीजें हो सकती हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो पुरातत्व चुंबकत्व अध्ययन आया, पुरातत्व चुंबकत्व सिद्धांत आया। उसके बाद हैरी हेस ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम नितल प्रसरण सिद्धांत कहते हैं, यानी सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की बात करते हैं। सागर नितल प्रसरण यानी सी लेवल स्प्रेड थ्योरी की बात करते हैं, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की बात करते हैं जो हैरी हेस ने दिया। अब इन तीन सिद्धांतों के माध्यम से अगर बात करें तो आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, पुराचुंबकत्व अध्ययन, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांतों पर आधारित है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को जानने के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले हम महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में जान लें, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है और यही इसकी नींव है। हालांकि सागर नितल प्रसरण सिद्धांत ने इसे और व्याख्यायित किया, ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया, ज्यादा व्याख्या किया, जिसके द्वारा हम अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं। ठीक है, साथ में अगर बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का रोल क्या है, किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के माध्यम से इन सारी चीजों को हम जान सकते हैं, वो अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ना है, इसमें प्रमुख रूप से हम बात करते हैं वैगनर महोदय के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ठीक है, अब जब महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की बात करें, यानी किस प्रकार से स्प्रेड थ्योरी हुई है, आपके ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि एक प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक अल्फ्रेड वैगनर, इनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने लगभग 1912 के आसपास, क्योंकि जलवायु वैज्ञानिक थे, विभिन्न महाद्वीपों में जलवायु से संबंधित खोज कर रहे थे। तो अगर हम विश्व के मानचित्र का ध्यान करें तो विश्व के मानचित्र में जो भी पूर्वी तट हैं और पश्चिमी तट हैं, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट हो, दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट हो, उसके बाद यूरोप का पश्चिमी तट, अफ्रीका का पश्चिमी तट हो, या अफ्रीका का पूर्वी तट हो, भारत का पश्चिमी तट हो, तो ये सारे अध्ययन कर रहे थे। तो अध्ययन के दौरान इन्होंने पाया, क्या पाया, कि अगर विश्व मानचित्र में हम देखें तो आपका जो ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका की अगर बात कर लें, और ये दक्षिणी अमेरिका है, तो दक्षिणी ये तट का जो रीजन है, यानी इसका जो पूर्वी तट है, और इधर यूरोप का रीजन, और अगर बात करें तो आपका अफ्रीका का जो रीजन है, अफ्रीका का पश्चिमी तट, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी, ये मिट्टी का रीजन और ये मिट्टी का रीजन, यहाँ पर आपस में समानता पाई गई, इक्वालिटी पाई गई। क्या पाई गई? इक्वालिटी पाई गई। और जब इक्वालिटी पाई गई, समानता पाई गई, तो इनके मन में एक संदेह हो गया कि हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह महाद्वीप के अंदर पाया जाने वाला मिट्टी का जो तत्व है वो एक समान कैसे है। और इसी पर इन्होंने खोज शुरू किया, और खोज के दौरान इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसे थ्योरी को हम महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के नाम से जानते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के माध्यम से इन्होंने ये बताया कि पूरा का पूरा जो आपका रीजन है
वो चाहे यूरेशिया का रीजन हो, यहाँ भारत का रीजन हो, ऑस्ट्रेलिया का रीजन हो, आर्कटिक हो महाद्वीप, आर्कटिक का रीजन हो, अंटार्कटिका महाद्वीप हो, एक टाइम पीरियड ऐसा जरूर था पृथ्वी पर कि ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इन्होंने कहा कि सारे के सारे महाद्वीप आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। और इसी को लेकर के इन्होंने इन सारी चीजों की बात करी, इन सारी चीजों पर अमल किया। अब देखिए इन्होंने बताया क्या, इस पर एक नजर डालते हैं। तो इन्होंने बताया कि शुरुआत में सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और एक आकार था, उस आकार का नाम इन्होंने दिया पैंजिया। क्या नाम दिया? पैंजिया नाम दिया। इन्होंने कहा कि सारे महाद्वीप आपस में जुड़े थे और उसकी आकृति का नाम था पैंजिया। और पैंजिया के चारों तरफ अगर बात किया जाए तो एक महासागर फैला हुआ था, यानी जल का क्षेत्र था, जिसे इन्होंने नाम दिया पैंथालासा। क्या नाम दिया दोस्तों? पैंथालासा नाम दिया। अब चारों तरफ पैंथालासा फैला हुआ है, बीच में पैंजिया है। धीरे धीरे समय के साथ चीजों में बदलाव होता है, आकृति में बदलाव होता है, और उस आकृति में बदलाव के द्वारा अगर बात करें तो इसके अंदर एक संरचना ऐसे जन्म लेती है, दरार पड़ता है और ये पैंथालासा का पानी यहाँ घुस जाता है। इस सागर को इन्होंने नाम दिया टेथिस सागर। क्या नाम दिया दोस्तों? टेथिस सागर। अब निश्चित सी बात है कि जो आकृति है अगर उसकी बात करें, यानी पैंजिया है, तो पैंजिया जो है सामान्य रूप में इस प्रकार से ये बन गया। यहां पर हो गया आपका टेथिस सागर और ये पैंजिया का उत्तरी भाग जिसको इन्होंने नाम दिया अंगारा लैंड और इसको नाम दिया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये नाम दिया। अब समय के साथ धीरे धीरे जब पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा या अंदर से लगने वाले संवहनीय धाराओं द्वारा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तप्त मैग्मा है तो अंदर से वो बल के रूप में आता है और बल के रूप में उस पर दबाव डालता है, तो धीरे धीरे उसमें खिसकाव पैदा होने लगा, दरार पैदा होने लगा। किसमें? इस पैंजिया में, पैंजिया के उत्तरी भाग अंगारा लैंड में भी और गोंडवाना लैंड में भी। समय के साथ ये दरार पैदा हो जाती है और दरार के रूप में टुकड़ों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से एक टुकड़ा बाहर निकला जिसे यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका का रीजन हुआ। दक्षिण का रीजन अगर बात करें तो साउथ अमेरिका का रीजन हुआ। यानी अंगारा लैंड का जब विखंडन हुआ, उसका बिखराव हुआ, उसका टूटन हुआ, तो उसके टूटन से उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद अगर बात करें तो यूरेशिया का रीजन यानी यूरोप और एशिया का रीजन इससे अलग हुआ। साथ में आर्कटिक के रीजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के द्वीप, चाहे वो ग्रीनलैंड द्वीप हो या अन्य छोटे छोटे द्वीपीय संरचना हो, इन सब का जन्म यहाँ पर होता है। जब गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ, उसका डिस्टर्बेंस हुआ, उसका टूटन हुआ, तो उसके बिखराव से दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद अगर बात करें तो अफ्रीका का रीजन और अफ्रीका के साथ साथ भारतीय प्रायद्वीप का क्षेत्र यानी भारत का क्षेत्र, इंडियन पेनिनसुला रीजन, भारतीय प्रायद्वीप का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का रीजन, ये सारा यहां से जन्म लेता है। यानी कुल मिलाकर के दक्षिण अमेरिका की बात करें, अफ्रीका की बात करें, भारतीय प्रायद्वीप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो उसका जो जन्म हुआ इन महाद्वीपों का तो गोंडवाना लैंड से हुआ। समय के साथ चीजें बिखरती चली गई, ये दोनों फैलते चले गए और सारे के सारे महाद्वीप दूर होते चले गए आपस में। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यही बताता है और सभी के मध्य में आपके सागर डेवलप होते चले गए। इन दोनों के बीच में बिखराव हुआ तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर का जन्म हो गया, यानी आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका के मध्य में अटलांटिक महासागर का जन्म हुआ। पैंथालासा जो चारों तरफ फैला हुआ था वो प्रशांत महासागर का रूप ले लेता है। भारतीय प्रायद्वीप की जब बात करते हैं तो भारतीय प्रायद्वीप खिसकते हुए जाता है और यूरेशिया से टकरा जाता है। यूरेशिया से टकराने के क्रम में यहाँ पर अगर बात करें तो
जो 33 सागर का मलबा था वो आपके हिमालय पर्वत के रूप में जन्म लेता है। तो इस प्रकार से सारी चीजें जन्म लेती हैं। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यह बताता है, ठीक है। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के माध्यम से हमने यह जाना कि सामान्य रूप में अगर बात करें तो पृथ्वी पर महाद्वीपों की संरचना का निर्माण कैसे हुआ है, यानी महाद्वीपों की संरचना किस प्रकार से बनी, ये हमने जाना। और इस संरचना के द्वारा अगर बात करें, चाहे नॉर्थ अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, आपके यूरेशिया की बात कर लें, यूरेशिया हो गया, यहाँ पर अफ्रीका के रीजन की बात कर लिया जाए, इंडिया के रीजन की बात कर लें, या ऑस्ट्रेलिया के रीजन की बात कर लें, ये सारे रीजन जन्म लेते हैं, ठीक है। और इनका विस्थापन किस प्रकार से हुआ, कैसे चीजें बढ़ करके गई। अब निश्चित सी बात है, जब प्रवाह हुआ एक जगह से महाद्वीप दूसरी जगह खिसके और खिसक करके गए, तो इसका मतलब है उनमें संचलन है, यानी चलने की प्रक्रिया है, खिसकाव है। जब वो खिसकाव है तो धीरे धीरे उसी खिसकाव के माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित होंगी, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होंगी, यह सारी चीजें हम यहां जानने का प्रयास करेंगे इसके माध्यम से। क्लियर है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की। मैंने बताया कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को जानने के लिए आवश्यक है कि ये तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है, आपका महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, नितल प्रसरण सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत हो, या पूरा चुंबकत्व अध्ययन हो, क्योंकि इन्हीं तीनों पर वो डिपेंड है। इसलिए किसी भी एक व्यक्ति या किसी भी भूवैज्ञानिक या जलवायु वैज्ञानिक या किसी भी प्रकार के साइंटिस्ट को हम इसका श्रेय नहीं देते हैं, क्योंकि विभिन्न आपके सिद्धांतों पर आधारित यह सिद्धांत है। लेकिन इसके माध्यम से हम यह जान जाते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनी हुई हैं, कैसे उनका निर्माण हुआ है। निर्माण में चाहे पर्वत निर्माण की बात कर लें, भूकंप की बात कर लें, ज्वालामुखी की बात कर लें, कटक की बात कर लें, या अन्य विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों की बात कर लें, यह सारी चीजें इसी के माध्यम से हम जान सकते हैं। अब निश्चित सी बात है, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात कर लें, कि पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, आंतरिक संरचना की बात करें कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना किस प्रकार का बना हुआ है, तो सामान्य सी बात है कि पृथ्वी के अंदर, क्योंकि पृथ्वी के जो कोर या केंद्र की गहराई हम मानते हैं वो लगभग 6371 किलोमीटर की मानते हैं, कई जगह ज्यादा भी मिल जाती है, लेकिन सामान्य रूप में हम ये मान के चलते हैं 6371 किलोमीटर। तो 6371 किलोमीटर की गहराई तक एक सामान्य मानव के बारे में जान पाना असंभव सा है। असंभव क्यों है, क्योंकि इतनी गहराई में हम जा नहीं पाएंगे, टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है, बहुत सारी चीजें। मैक्सिमम अगर हम गहराई की बात कर लें तो 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक हम आज तक जा पाए हैं, जहां पर सबसे गहरी हमारी माइंस हैं, खदानें हैं, उसके अंदर हम नहीं जा पाए हैं, ठीक है। तो अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें, तब प्रश्न उठता है फिर कि हम कैसे जानेंगे सर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो विभिन्न अनुमानों से और विभिन्न अन्य सिद्धांतों के माध्यम से, या विभिन्न पृथ्वी पर होने वाली हलचल या प्रक्रियाओं के माध्यम से हम इसके बारे में जानते हैं। उन प्रक्रियाओं में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी प्रक्रिया को इसके लिए आधार बनाया जाता है, वॉल्केनो को आधार बनाया जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको भी हम बेस बनाते हैं। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले विभिन्न तत्व, विभिन्न पदार्थ, विभिन्न प्रकार की गैसें, मैग्मा, लावा, राख, आपके पत्थर, इन सारे माध्यम से बहुत सारी जानकारी एकत्रित करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं इकट्ठी हो पाती है। तब इसके लिए आपके भूवैज्ञानिकों ने आधार बनाया, जब हम जान गए भूकंप की तरंगों के माध्यम, यानी भूकंपीय तरंगों, अर्थक्वेक की वेव्स का जब अध्ययन हो गया, तो भूकंपीय तरंगों या अर्थक्वेक की वेव्स के माध्यम से बहुत कुछ जान पाना आसान हो गया। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना बहुत ही बेहतर और आसान हो गया। अर्थक्वेक की अगर बात करें तो आपके P, S, L 3 प्रकार की तरंगों के बारे में हम जानते हैं,
कितने प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं? पी, एस और एल, तीन प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं। पी तरंग की अगर बात करते हैं तो पी तरंग प्रमुख रूप से अगर बात करें तो ये सॉलिड में यानी ठोस में, द्रव में, लिक्विड में, दोनों में मूव करती है, गति करती है। जब एस तरंग की बात करते हैं तो एस तरंग केवल और केवल सॉलिड रीजन में चलने वाली तरंग है, यानी ठोस में गति करने वाली तरंग है। एल तरंग की बात करते हैं तो ये सरफेस वेव्स है, केवल और केवल सतह पर चलने वाली तरंग है। तो इन तीन तरंगों यानी भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर हम बहुत कुछ अनुमान लगा पाते हैं। पृथ्वी के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम इतना छोटा सा टुकड़ा ले लें, पर्याप्त हो जाएगा। इससे अनुमान लग जाएगा, ये सतह हो गई, ये केंद्र हो गया। तो इस प्रकार से अगर ले तो सामान्य रूप से इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे, इसका पूरा चैप्टर से, लेकिन यहां केवल संक्षेप में जानेंगे। सबसे ऊपरी परत को अगर हम बात करें तो क्रस्ट के नाम से जानते हैं, इसी को भूपर्पटी या परपटी के नाम से जानते हैं। क्रस्ट के बाद अगला जो रीजन है उसे मेंटल कहते हैं, और सबसे आंतरिक रीजन को हम कोर के नाम से या केंद्र के नाम से जानते हैं। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट मैक्सिमम आपके 50 से 60 किलोमीटर की गहराई तक है, लेकिन क्रस्ट मेंटल का ऊपरी लेवल भी ले लिया जाए, जिसे हम क्रस्ट के नीचे एक परत है एस्थिनोस्फीयर या दुर्बल मंडल कहते हैं। एस्थिनो स्फीयर या इसी को हम दुर्बल मंडल कहते हैं। दुर्बल मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर रेडियो एक्टिव तत्व है, और रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण ये लगभग ठोस और जमी अवस्था में तो है, लेकिन इतना चिकना है और यहाँ पे जो रॉक्स है वो मेल्टिंग है, यानी पिघली हुई रॉक्स का जमा हुआ रीजन है। तो ऊपर की परत इस पर सरकती है और वहीं से लगता है संवहनीय तरंग, यानी संवहनीय धाराएं काम करती हैं, एनर्जी काम करती है, फोर्स काम करता है, बल काम करता है, और उसी के बल के माध्यम से ऊपर की जो परत है जिसे हम क्रस्ट कह रहे हैं, वो क्रस्ट इसके ऊपर सरक रही है। और उसी के मूवमेंट को हमने पीछे पढ़ा है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के माध्यम से, जहां पे हम यह जानते हैं कि ऊपर की परत, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में भूगोल वेताओं ने प्लेट का नाम दिया है, हालांकि कनाडाई वैज्ञानिक थे मॉर्गन, उन्होंने ही पहली बार प्लेट का नाम दिया। तो प्लेट की अगर बात करें तो प्लेट का संचलन होता है, ऊपर की परत का संचलन होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि उसका मूवमेंट यहां पर पाया जाता है। तो ये किस अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में है, लेकिन क्या है, तप्त है, और एक तरीके से कहा जाए तो काफी पिघली या प्लास्टिक जैसा रीजन है। आप कह सकते हैं एज लाइक अ प्लास्टिक, प्लास्टिक की तरह का क्षेत्र है जहां पर ऊपर की चीजें सरक करें, ठीक है। कोर की बात करें तो कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। जब ऊपर से भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है तो यह जाना जाता है कि भूकंपीय तरंगों में पी तो पूरा अंतिम तक जाती है, लेकिन एस जो है आउटर कोर पर विलुप्त हो जाती है। यहां पर एस तरंग विलुप्त हो जाती है, और अगर एस तरंग विलुप्त हो गई तो इसका यह निश्चित रूप से मानना है कि आउटर कोर आपके तरल अवस्था में है। किस अवस्था में है? लिक्विड फॉर्म में है। क्या जानेंगे हम? कि यह लिक्विड फॉर्म में मौजूद है पूरी तरीके से। क्लियर है? ते जानेंगे। सामान्य सी बात है, इन आधारों पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये जानना है। इसके बाद इन्हीं सब आधारों पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डिपेंड है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के। मैंने बताया कि अगर हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना को लें तो पूरा का पूरा प्याज की तरह है, जैसे प्याज की परत होती है, सल्क होती है, तो लेयर बाय लेयर पूरी पृथ्वी की परत बनी हुई है। या साइकिल या गाड़ी में लगने वाली जो बेयरिंग होती है पहिए में, उसे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि परत के रूप में चीजें बनी होती हैं, ऊपर की चीजें मूव करती हैं।
तो अंदर से लगने वाली धाराओं या अंदर से लगने वाले ताकतों के कारण, फोर्स के कारण, बल के कारण ऊपर की चीजें क्या करती हैं, मूव ऑन करती हैं। क्लियर? तो इन सारी चीजों को जानेंगे। अब देखिए, ये अगर पृथ्वी की परत है, ये आंतरिक परत है, ऊपर की परत क्रस्ट मान ले या एस्थिनोस्फीयर का रीजन मान ले कि इस एस्थिनोस्फीयर के रीजन ऊपर की परत मूव ऑन कर रही है, तो निश्चित सी बात है कि अगर पूरी पृथ्वी की परत आपस में ऊपर जुड़ी होती तो यह वन साइडेड मूव करती, किसी भी एक दिशा में मूव करती, लेकिन पूरी पृथ्वी की ऊपरी परत आपस में जुड़ी हुई नहीं है। जब जुड़ी हुई नहीं है तो इसमें आपस में विखंडन है, बीच बीच में ब्रेक है। तो जब ये ब्रेक है, जानेंगे कि पूरी तरीके से इस प्रकार से इसका निर्माण हो रखा है। अब जब इस प्रकार से ये निर्मित है तब आप समझेंगे कि जब ऊपर की अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई प्लेट है तो मे बी किसी का मूवमेंट इस तरह होगा, कोई इस तरह मूव कर रही होगी, किसी का डायरेक्शन ये होगा, किसी का डायरेक्शन ये होगा। तो इसी आधार पर प्लेटों का संचलन होता है, प्लेटों का मूवमेंट होता है, और उसी मूवमेंट के आधार पर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की व्याख्या करते हैं विस्तार के साथ। क्लियर है? तो चलिए आगे चीजों को देखेंगे। अब प्लेट की गति के आधार पे या मूवमेंट के आधार पे हम तीन प्रकार से इसको मूव करा सकते हैं। सबसे पहले आप बोलते हैं अभिसारी प्लेट सीमांत, दूसरा अपसारी और तीसरा संरक्षी, या इसी को समानांतर प्लेट किनारा भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, यानी यहां पर हम बात करेंगे कन्वर्जन की, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री की, डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री की बात करेंगे, और यहां पर आपका पैरेलल प्लेट मूवमेंट की बात किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लेट बाउंड्री या प्लेट किनारे की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हलचल होगी, जो भी मूवमेंट होगी, वो प्लेट किनारों पर ही होगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। क्लियर?